श्रीकांत त्यागी को मिला कोर्ट की तरफ से झटका। जी हां, त्यागी की गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका खारिज हो गई है। पुलिस ने 3 नए और 6 पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब श्रीकांत को कुछ और दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। आज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 2/3 गैंगस्टर एक्ट मुकदमा प्रासंख्या 340/2022 जो कि थाना फेस्टू पर पंजीकृत था, जिसकी विवेचना इकोटेक 3rd थाना के SHO द्वारा प्रतिपादित की जा रही थी, उसमें आज जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। और गैंग चार्ट में 3 मुकदमे थे श्रीकांत त्यागी के विरुद्ध, और उसके खिलाफ कुल 9 मुकदमों का आपराधिक इतिहास पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया मान न्यायालय में, और जिस पे विचार विमर्श और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मान न्यायालय द्वारा जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। कितने केस चल रहे हैं अब तक श्रीकांत के भारतीय पर, किसमें जमानत नहीं? वर्तमान में श्रीकांत त्यागी के विरुद्ध 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उन्हीं के आधार पर श्रीकांत त्यागी के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, और उसमें बाकी अन्य मुकदमों में उसकी जमानत हो गई है और गैंगस्टर एक्ट में उसके खिलाफ जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। बता दें, नोएडा के रहने वाले श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को नोएडा पुलिस ने जेल भेजा था, और आज सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें, नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में है। श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने इस केस को दर्ज कर लिया था, जिसके बाद ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था और फिर उसे जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।